आज की वीडियो होने वाली है एक न्यू एंड्रॉइड एमुलेटर के ऊपर जो कि लो एंड पीसी के लिए बेस्ट होने वाला है। अगर आपके पास एक लो एंड पीसी तो आप इस एमुलेटर को डेफिनेटली अपने लो एंड पीसी पर ट्राई करो, हो सकता है आपके पीसी के लिए फैमिली वाला एमुलेटर बेस्ट हो। इस एमुलेटर का नाम है बी कैप प्लेयर। ये एमुलेटर अगर आपके पीसी में 3 GB रैम लगी हो तो फ्री फायर को इजिली आपके पीसी पर खिलवा देगा 30 या 40 FPS तक। तो बिना भी तरीके चलते पीसी की स्क्रीन पे देखते हैं इसको कैसे डाउनलोड और इंस्टॉल करना है। तो मैं आ चुका डेस्कटॉप पे और यहाँ पर मैंने वो फोल्डर रखा हुआ है जिसके अंदर फाइल जाए। तो इस फोल्डर को ओपन करते हैं। सिंपली सबसे पहले आपको मिलेगा एक एमुलेटर जो कि बी कैप प्लेयर है, उसके अलावा फ्री फायर की एपीके मिल जाएगी यहाँ पर, उसके अलावा फेसबुक की एपीके मिलेगी। तो सबसे पहले एमुलेटर रार में, तो इसको एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। तो विनरार को ओपन करके यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करके भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, मैंने एक्सट्रैक्ट कर लिया। उसके बाद आपने सिंपली यहाँ पर इस एमुलेटर को राइट क्लिक करके ओपन कर लेना। ओपन करने के बाद यहाँ से यस करना है। यस करने के बाद यहाँ पर इंस्टॉल बटन आएगा। अगर आप डिफॉल्ट लोकेशन में इंस्टॉल करना चाहते हैं इंस्टॉल पर क्लिक कर दो, नहीं तो ब्राउज करके अपनी लोकेशन दे दो जहाँ पर आपने इंस्टॉल करना है। लोकेशन देने के बाद यहाँ पर इंस्टॉल बटन पे क्लिक कर देना, आपका एमुलेटर इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। इंस्टॉल होने में 1 से 2 मिनट भी ले सकता है, हो सकता है आपका एमुलेटर इंस्टॉल होने में ज्यादा टाइम ले जाए, तो आपने यहाँ पर वेट कर लेना जब तक एमुलेटर पूरा इंस्टॉल नहीं हो जाता। आपके सामने लॉन्च बटन आ जाएगा, आप चाहो तो लॉन्च कर सकते हो, नहीं तो इसको क्लोज करके यहाँ से डेस्कटॉप पे चले जाना। और आपके सामने 2 यहाँ पर आइकोन होंगे, एक लॉन्चर फाइल होगी, एक मल्टी इंस्टेंट फाइल होगी। आपने मल्टी इंस्टेंट फाइल को ओपन करना है। इंस्टेंट फाइल को ओपन करने के बाद यहाँ से जाना है, अभी बारी है सेटिंग की। तो यहाँ पर सेटिंग वाले बटन पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपको 1280x720 के नीचे आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा, ये आपके डिफॉल्ट कस्टमाइज रेजोल्यूशन है। तो अगर आपके पास एक लो एंड पीसी आप इस रेजोल्यूशन को चूज कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ पर आप अपना एक प्रीसेट कोई भी चूज कर सकते हैं। मैं यहाँ पर 1280x720 चूज करने वाला हूँ। रेजोल्यूशन हो चुकी है, अभी बारी एडवांस सेटिंग की। एडवांस में आना और यहाँ पर अपनी आपने रैम को 2 GB दे देना और यहाँ से 2 कोर को कर देना है। तो उसके बाद आपको यहाँ पर नीचे ऑप्शन मिलेगा कस्टमाइज का, तो यहाँ पर आप कस्टमाइज पे क्लिक करके भी अपनी रैम और सीपीयू दे सकते हो। तो मैं यहाँ पर क्लिक करके अपना 2 GB रैम 2 कोर के साथ दे देता हूँ। उसके अलावा यहाँ पर आप प्रीसेट कोई भी चूज कर सकते हो, 2 GB या 4 GB रैम तक। इन 4 ऑप्शन को आपको अपने सिस्टम के हिसाब से चेकआउट करना पड़ेगा। तो मैं डिफॉल्ट में जो 4th वाला ऑप्शन है वो यूज कर रहा हूँ, आप चाहो तो ये वाला यूज कर सकते हो। ऑप्शन को चेक करने के बाद नेक्स्ट में आ जाना और यहाँ पर क्रिएट बटन पे क्लिक कर देना। उसके अलावा यहाँ पर आपको कुछ खास सेटिंग नहीं मिलेगी, आपने यहाँ पर जाना और सेव बटन पे क्लिक करना है, यहाँ से इसको ओके कर देना। इसको यहाँ से अभी क्लोज कर देते। तो डेस्कटॉप पे आने के बाद इस बार हम लोग लॉन्चर को फाइल को ओपन करने वाले हैं। लॉन्चर फाइल को ओपन करोगे तो ये 2 से 3 मिनट ले सकता है फर्स्ट टाइम लॉन्च होने में। तो एमुलेटर जैसे लॉन्च हो जाएगा ये काफी ज्यादा स्मूथनेस है। तो अभी आ रही है एमुलेटर की सेटिंग की। तो सेटिंग की तो यहाँ पर क्लिक करना और यहाँ से जाना है सेटिंग में। सेटिंग में जाने के बाद थोड़ा सा नीचे जाओगे, यहाँ पर आपने थोड़ा सा नीचे की तरफ आने के बाद यहाँ इंटरनेट एक्सप्लोरर का आइकॉन मिलेगा, इस पे क्लिक करना है आपने और यहाँ पर फर्स्ट नंबर पे क्लिक करना है। फर्स्ट नंबर पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर काफी सारी लैंग्वेज मिल जाती है, आप यहाँ से कोई भी चूज कर सकते हो। मैं यहाँ पर इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट्स चूज कर रहा हूँ। उसके बाद बैक आ जाना है, बैक वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ से थोड़ा सा नीचे की तरफ आओगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा अबाउट टैबलेट का ऑप्शन। यहाँ पर क्लिक करोगे तो यहाँ से सबसे नीचे जाना है, बिल्ड नंबर पे 4 से 5 बार क्लिक करोगे तो आपका डेवलपर ऑप्शन ऑन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से आपने मॉडल नंबर पे क्लिक कर लेना एक बार और यहाँ से बैक आना और यहाँ से जाना है डेवलपर ऑप्शन में। डेवलपर ऑप्शन में जाने के बाद थोड़ा नीचे आओगे तो यहाँ पर विंडो एनिमेशन स्केल को ऑफ कर देना, ट्रांजेक्शन एनिमेशन स्केल को और एनिमेशन क्रिएशन, इन तीनों को ऑफ करने के बाद थोड़ा सा नीचे आओगे तो फोर्स जीपीयू रेंडरिंग को ऑन कर देना है। रेंडरिंग को ऑन करने के बाद यहाँ पर थोड़ा नीचे आओगे तो फोर्स 4x मासा को ऑन कर देना और डिसेबल HW ओवरले को ऑन कर देना। उसके बाद बैक आ जाना है, आने के बाद थोड़ा सा ऊपर की तरफ आओगे, एप्स में जाना है इस बार और यहाँ से जितनी भी ड्राफ्ट एप्स होंगे उन सबको अनइंस्टॉल फोर्स स्टॉप डिसेबल कर देना ताकि हमारा एमुलेटर और ज्यादा स्मूथनेस हो जाए। उसके बाद यहाँ से आपने इसको कट कर देना है। कट करने के बाद अभी हमारा एमुलेटर रेडी है फ्री फायर को इंस्टॉल करने के लिए। इस लाइन में आपको काफी सारे बटन दिख रहे होंगे, यहाँ पर APK के बटन पे क्लिक करना है और यहाँ से अपनी फ्री फायर को ओपन करवा के इंस्टॉल करवा देना है। उसके बाद फिर से APK के बटन पे क्लिक करना है और यहाँ पर मैं APK फेसबुक की इंस्टॉल करवा रहा हूँ। आप चाहे तो यहाँ से इसको कट कर दे और अपना ब्राउजर भी यूज कर सकते फेसबुक पे लॉग इन करने के लिए। यहाँ पर फेसबुक लिखना है और यहाँ पर फर्स्ट नंबर पे साइट आएगी, ईमेल पासवर्ड दे के लॉग इन कर सकते हो। मैं यहाँ पर अपनी फेसबुक से ही लॉग इन करने वाला हूँ। APK से वीडियो को लाइक नहीं किया वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। चैनल पे नए आए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ऑल पे सेट कर देना और मेरी लॉगिन स्क्रीन आ चुकी है। उसके बाद आप मोर पे क्लिक करके गूगल लॉगिन कर सकते हो, नहीं तो यहाँ पर साइन इन विद फेसबुक पे क्लिक करोगे आपकी फेसबुक लॉगिन हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पर आना सेटिंग में, सबसे पहले अपने कंट्रोल्स को डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड करने के बाद डिस्प्ले में आना है और यहाँ पर स्मूथ ग्राफिक्स पे चले जाना है। उसके बाद कंट्रोल में आना है और कस्टम मोड में चले जाना है। बाद आपने अपनी की मैपिंग इनेबल कर लेना है, इस बटन पे क्लिक करोगे तो आपकी की मैपिंग इनेबल हो जाएगी। उसके बाद दूसरे वाले बटन पे क्लिक करना है, आपकी की मैपिंग शो हो जाएगी। तो उसके बाद सबसे पहले WSD को आपने क्रिएट करना है, या
अपनी पोजीशन सेट कर लेनी है WSD के। उसके बाद दूसरे नंबर पे जो बटन आता है माउस को लॉक एंड अनलॉक करने के लिए राइट क्लिक यूज होगा। उसके बाद ये आपको थर्ड नंबर पे फायर बटन मिलेगा। बाकी के बटन अपने हिसाब से सेट आउट कर सकते हो। मैं यहाँ पर स्कोप के लिए एक्स बटन यूज कर रहा हूँ, आप चाहे तो वो भी बटन यूज कर सकते हो, नहीं तो स्कोप बटन के लिए आपको राइट बटन नहीं मिलेगा। स्क्रीन मैपिंग करने वाले यहाँ पर सेव बटन पे क्लिक करना और यहाँ से इसको ऑन या ऑफ कर सकते हो कंट्रोल्स की ओपेसिटी को, यहाँ से इसको क्लोज कर देना और यहाँ से इसको बैक कर लेना, यहाँ से इसको क्लोज कर देना। इस तरह से आप इस सिमुलेटर पे अपनी की मैपिंग कर सकते हो, परफेक्ट एकदम की मैपिंग हो जाएगी। तो अगर उसके अलावा फिर भी आपकी की मैपिंग या कोई भी आपको सिमुलेटर पे वीडियो चाहिए तो आप मुझे बस एक कमेंट कर दो, मैं नेक्स्ट वीडियो उसी के ऊपर लेके आऊंगा। तो आई होप आज की वीडियो यहीं तक थी। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज फटाक से जाके एक लाइक कर देना और चैनल पे नए आ रहे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर देना, क्योंकि सिमुलेटर के रिलेटेड आपको इस चैनल पे वीडियो काफी ज्यादा मिलती रहेंगी। तो मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में किसी नेटवर्क के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।